हाय, मेरा नाम ऋषभ पारिक है। मैं यूजफुल टेक वीडियोस बनाता हूँ और आप देख रहे हैं टेक्नो ब्लॉग। कोडेक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोडेक्स क्या होते हैं और आपके लिए उन्हें जानना क्यों जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आजकल ईयरबड्स का जमाना है, ट्रूली वायरलेस साउंड या फिर नेक बैंड्स वगैरह ब्लूटूथ ऑडियो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं उनमें कोडेक्स का यूज होता है। अलग अलग कोडेक्स अलग अलग क्वालिटी देते हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी के लिए कोडेक्स का पता होना जरूरी है ताकि आप अच्छे ब्लूटूथ साउंड डिवाइसेस को चूज कर सकें जो कि आपके फोन में सपोर्टेड हो ताकि आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिल सके। तो इस दुनिया में लगभग 7 तरीके के कोडेक्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कोडेक्स हैं उनके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कोडेक आता है वो है SBC कोडेक, और SBC कोडेक लगभग आपको जितने भी चीप ईयरबड्स हैं, चीप ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं, ब्लूटूथ साउंड डिवाइसेस हैं उनमें देखने को मिलेगा। सबसे लोअर वर्जन है और सबसे पुराना वर्जन भी आई थिंक SBC। तो या तो आपके पास बहुत पुराने ईयरबड्स हैं या फिर ब्लूटूथ हेडसेट है जिनमें ये यूज किया जा रहा है, या फिर आपके पास बहुत ही चीप ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो कोडेक है लो कॉम्प्लेक्सिटी सब बैंड कोडेक, ये सबसे बेसिक है और इसकी जो फाइल ट्रांसफर है वो मैक्सिमम 345 KB/s हो सकती है। अब बारी आती है एपटेक्स HD की। तो इसे क्वालकॉम ने बनाया है, क्वालकॉम ने खुद ने डिजाइन किया है एपटेक्स को। ऑडियो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ये उनका खुद का बनाया हुआ कोडेक है। अब एपटेक्स HD जो है वो अच्छी क्वालिटी को सपोर्ट करता है नो डाउट, और इसमें जो आपको मैक्सिमम बिट रेट मिलती है वो 567 KB/s है, तो ये काफी अच्छे स्केल पर आता है। एपटेक्स में ही आपको एपटेक्स HD और एपटेक्स, सिर्फ एपटेक्स, ये दोनों कोडेक आपको देखने को मिल सकते हैं। एपटेक्स HD है उसका मैंने आपको बताया कि 567 KBPS मिल सकता है आपको, और सिर्फ एपटेक्स में आपको 345 KB/s की बिटरेट मिलती है। लेकिन यहाँ पर एपटेक्स के साथ दिक्कत क्या है कि लेटेंसी आपको बहुत देखने को मिलती है, मतलब इतनी अच्छी लो लेटेंसी नहीं है। एपटेक्स HD और एपटेक्स में आपको लगभग 170 से 220 मिलीसेकंड का लेटेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वालकॉम ने अपने इस कमी को दूर करने के लिए एपटेक्स LL को प्रोवाइड किया हुआ है। यानी LL यानी यहाँ पर लो लेटेंसी है, जो कि इसकी लेटेंसी को 40 मिलीसेकंड तक कम कर देता है। कई बार आपने गेमिंग मोड ऑन करते हैं अपने ईयरबड्स में तो वो जो है एपटेक्स का LL कोडेक यूज करता है। तो अगर आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो एपटेक्स को सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर अश्योर हो जाइए कि आपको ठीक ठाक और डिसेंट अच्छी क्वालिटी साउंड की देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं AAC के बारे में। तो AAC जो कोडेक है वो एप्पल का कोडेक है, आपको आईफोन्स में, आईपैड में या एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें AAC देखने को मिलेगा। जो एयरपोर्ट्स थे मेरे पास वो भी AAC फॉर्मेट ही सपोर्ट करते थे जिन्हें मैं एंड्रॉइड के साथ यूज करता था। भगवान की दया से जो मेरे पास स्मार्टफोन था उस टाइम Asus का Zenfone Pro M1 था, वो भी AAC कोडेक को सपोर्ट करता था। ये LG के FM7 है और ये भी AAC कोडेक को सपोर्ट करते हैं। तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आप जो भी ईयरबड्स यूज करो या जो भी ब्लूटूथ डिवाइस यूज करो वो AAC कोडेक को सपोर्ट करने वाला ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से दूसरे जो कोडेक्स हैं उनके साथ एप्पल के जो डिवाइसेस हैं वो इतना अच्छे से काम नहीं करती। अब मेरे मैक के साथ भी काफी अच्छे तरीके से ये सिंक हो जाते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी मुझे प्रोवाइड करवाते हैं। OnePlus 7 में भी AAC कोडेक्स कंपेटेबल हैं तो काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ AAC की फुल फॉर्म है एडवांस ऑडियो कोडेक्स, कम बिटरेट में ये आपको अच्छी क्वालिटी देता है। अब यहाँ पर बिटरेट को ही अच्छी क्वालिटी नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 108 मेगापिक्सल का शाओमी का कैमरा अगर एप्पल के 12 मेगापिक्सल के साथ कॉम्पीट करता है तो कौन सा जीतता है? ऑब्वियसली एप्पल का 12 मेगापिक्सल का कैमरा, ये आप और मुझे दोनों को पता है। यहाँ पर बिटरेट और क्वालिटी दोनों अलग अलग चीज हैं और दोनों के अलग मापदंड हैं। तो एप्पल का जो AAC कोडेक है वो क्वालिटी के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा है और ट्रांसफर स्पीड भी काफी कम लेता है, लेकिन फिर भी हम अगर इसकी बिटरेट की बात करें तो 320 KBPS की बिटरेट ये देता है जो कि काफी सूदिंग है। ओवरऑल AAC एक काफी इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिंग कोडेक है, और इसी वजह से जब भी आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस लें तो ये देख लें कि आपका स्मार्टफोन भी AAC कोडेक को कंपेटेबल करता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम सबसे अच्छे और पायोनियर कोडेक की, LDAC। ये सोनी के द्वारा डेवलप्ड कोडेक है और काफी अच्छी जो है यहाँ पर आपको बिटरेट देता है और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी देता है। LDAC की बिटरेट के बारे में बात करें तो 990 KBPS की बिटरेट आपको देता है जो कि
काफ़ी ज़्यादा है और जितने भी कोडेक्स हमने कंपेयर करें उन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी को भी एक्सपेक्ट अच्छा किया जा सकता है। ओवरऑल मैंने आपको बताई साउंड क्वालिटी और बिटरेट में अंतर होता है, लेकिन एलडेक की जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सोनी के जो 24,000 के हेडफोन्स आते हैं उनमें भी इसी कोडेक का यूज़ किया जाता है। और कल मैंने एक रील में आपको बताया था कि WF-1000 XM4 जो है TWS है, सोनी के फ्लैगशिप TWS है, वो इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं और वो भी सेम कोडेक पे काम करते हैं। एलडेक कोडेक का फ़ायदा आप अपने जो एप्पल की डिवाइसेस हैं, आईपैड है, आईफोन है, उसमें नहीं उठा सकते क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो चलेगी ही नहीं, वो चलेगी, आराम से चलेगी, लेकिन वो दूसरे कोडेक पे चलेगी, SBC पे या फिर AC पे, इन कोडेक्स पे रन करेगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बताता हूँ, कई बार स्मार्टफोन कंपनीज जो होती हैं वो जानबूझकर सपोर्ट नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल OnePlus के जो नए ईयरबड्स आए हैं और OnePlus का जो 9 Pro है, फ्लैगशिप डिवाइस है, वो दोनों ही LDAC कोडेक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर OnePlus ने OnePlus Nord में LDAC कोडेक का सपोर्ट नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए कोई भी ईयरफोन या ईयरबड्स लेने से पहले आप अपने स्मार्टफोन के कोडेक सपोर्ट के बारे में जान लें और जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके कोडेक सपोर्ट के बारे में जान लें, आपको अच्छी साउंड क्वालिटी अचीव करने में हेल्प करेगा। मैं जितने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने उतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी मुझसे कुछ रह गया हो या छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब देने खुशी खुशी जवाब दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।